दुर्लभ कश्यप पर फिल्म बनाने को लेकर बॉलीवुड टॉलीवुड ही नहीं पंजाब के प्रोडक्शन हाउस भी बेकरार हैं, जिसे लेकर इन दिनों में घमासान मचा हुआ है। घमासान है दुर्लभ पर फिल्म बनाने के राइट्स को लेकर। तीनों इंडस्ट्रीज के नामी प्रोडक्शन हाउस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इन जिसमें RRR, बाहुबली और बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी से जुड़े प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है। विवाद भी छोटा मोटा नहीं, दुर्लभ को लेकर इन तीनों प्रोडक्शन हाउस ने एक दूसरे पर लीगल एक्शन तक ले लिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रकार दुर्लभ कश्यप के नाम को लेकर देश भर के निर्माता निर्देशक एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। साउथ की टॉलीवुड इंडस्ट्री की प्रसिद्ध प्रोडक्शन कंपनी ग्रीन रेन प्रोडक्शन के प्रमुख विजय जंगली मंडी सुपरस्टार रजनीकांत के बिजनेस पार्टनर हैं। विजय अपने बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें दुर्लभ कश्यप पर हिंदी फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। इसमें दुर्लभ का किरदार उनके बेटे निभाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप और मामा अनुराग पंड्या से मिलकर फिल्म बनाने के लिए 2020 में बकायदा एग्रीमेंट किया और उन्हें साइनिंग अमाउंट का चेक देकर फिल्म बनाने के राइट्स भी ले लिए। दुर्लभ पर बनने वाली फिल्म की स्टोरी को सुपरवाइज साउथ के ख्यात विजेंद्र प्रताप सिंह करने वाले हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह हाल ही में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी RRR के डायरेक्टर SS राजमौली के पिता हैं, जिन्होंने बाहुबली, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों की स्टोरी को सुपरवाइज किया है। इसके अलावा ब्लॉकबस्टर मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की स्टोरी के राइटर भी रहे हैं। मूवी को प्रसिद्ध डायरेक्टर श्रीमन वेमुला द्वारा डायरेक्ट करवाने का निर्णय लिया गया है। श्रीमन वेमुला प्रसिद्ध कन्नड़ निर्देशक हैं, जिन्होंने नागा शौर्य, कुमारी 21F, प्रणाम देवराज जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकी। इसी बीच मनोज कश्यप और अनुराग पंड्या ने मुंबई के आराध्या और चेक मार्क प्रोडक्शन हाउस के साथ दुर्लभ पर फिल्म बनाने का समझौता कर लिया, जिसकी जानकारी ग्रीन रेन प्रोडक्शन कंपनी के सदस्यों को लगने पर उन्होंने आपत्ति ली, लेकिन उनकी आपत्ति पर ध्यान नहीं देने के लिए ग्रीन रेन कंपनी ने मनोज, अनुराग सहित मुंबई के प्रोडक्शन हाउस पर लीगल एक्शन लिया। ग्रीन रेन प्रोडक्शन कंपनी का कहना है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने में देरी होने पर प्रोडक्शन हाउस द्वारा बार बार दुर्लभ के पिता और मामा को फोन करके चेक लगाकर रुपए लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई, लेकिन दोनों ने ही पैसों की जरूरत नहीं होने के चलते चेक नहीं लगाने की बात कही और चेक 45 दिन बाद बेकार हो गया। इसी बीच गैर कानूनी तरीके से किसी और कंपनी को मूवी के राइट्स बेच दिए गए, जिस पर लीगल एक्शन लिया गया है। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि इसी दौरान पंजाब के सिंगर और कलाकार जय रंधावा ने कार्यक्रम के दौरान दुर्लभ पर फिल्म बनाने की घोषणा कर डाली, जिस पर दुर्लभ के पिता और मामा ने आपत्ति लेते हुए नोटिस जारी किए हैं। अब देखना ये होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में दुर्लभ पर फिल्म बनाने की जंग में कौन सी प्रोडक्शन कंपनी विजयी होती है। वैसे आपको बता दे कि दुर्लभ पर पहले ही कई शॉर्ट फिल्म बन चुकी है जो YouTube पर देखी जा सकती है। आज के दौर में दुर्लभ कमाई का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। इसके चलते देश भर में इस नाम को लेकर होड़ मची हुई है।